ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पाली जिले से एसपी केबी वंदना का बेशक अब तबादला हो गया है, लेकिन वे जिले के फरियादियों को ऐसी सौगात दे गई हैं जो देश में अनूठी है। इसमें सुनवाई के अधिकार के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की ऐसी सुविधा हो गई है जिसमें थाने में पहुंचने वाला फरियादी थानाधिकारी की अनुपस्थिति में सीधे पुलिस अधीक्षक या अन्य किसी उच्च अधिकारी से अपनी बात कह सकता है। खास बात यह है कि मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक ने अन्य जिलों में भी इस व्यवस्था को लागू करने में दिलचस्पी दिखाई है। आपने उच्चाधिकारियों द्वारा निचले स्तर के अधिकारियों से विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का फीडबैक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लेते हुए तो सुना होगा, लेकिन अब थाने पहुंचने वाला फरियादी थानाधिकारी की अनुपस्थिति में सीधे पुलिस अधीक्षक या अन्य किसी उच्चाधिकारी से अपनी बात कह सकता है। सुनवाई के अधिकार के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की ऐसी सुविधा देश में सबसे पहले पाली जिले में लागू हुई है। इस सौगात का श्रेय आईपीएस केबी वंदना को जाता है। इस सुविधा के तहत पुलिस थाने में आने वाले फरियादी को अगर थानों में अधिकारी नहीं मिले या उन्हें अपनी बात एसपी स्तर के अधिकारी को बतानी हो तो उन्हें एसपी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हाथों हाथ किसी भी थाने से वो अपनी बात कह सकते हैं। खास बात यह है कि मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक ने अन्य जिलों में भी इस व्यवस्था को लागू करने में दिलचस्पी दिखाई है। इस व्यवस्था से परिवादी भी खुश नजर आ रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ये फायदे हैं साहब। पहले हमें थाने आते थे, कार्रवाई नहीं होती थी तो एसपी साहब के पीछे चक्कर काटने पड़ते थे, मिलते नहीं थे। वो अब हमारा डायरेक्ट वहाँ थाने से ही एसपी साहब से बातचीत हो सकती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। इससे समय का और हमारा जो किराया वगैरह सबकी बचत होगी। आईपीएस केबी वंदना की माने तो कोई फरियादी अगर थाने जाता है और थानाधिकारी फील्ड में होता है तो फरियादी वहीं से पुलिस कांस्टेबल के जरिए अपनी बात संबंधित अधिकारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बता सकता है। आईपीएस केबी वंदना से इस संबंध में खास बातचीत की हमारे संवाददाता राजीव गौर ने। राजस्थान के पाली जिले में एक नया प्रयोग हुआ है। यहाँ की पुलिस अधीक्षक केबी वंदना ने जो फरियादी थानों में आते हैं उनकी कोई समस्या हो वो सीधे पुलिस अधीक्षक को बता सकते हैं और ये प्रयोग काफी सफल रहा है। इस वक्त केबी वंदना हमारे साथ, उनसे पूछते हैं कि कैसा रहा ये प्रयोग। जी, सरकार द्वारा हमारे सभी पुलिस स्टेशन में हार्डवेयर दिए गए हैं, कंप्यूटर्स दिए गए हैं सभी थानों में। उसको मैंने ये सोचा है कि उसकी सही उपयोग भी करना जरूरी है, तो इसको हम जनता के नजदीक लेकर जाने की एक प्रयास थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिससे हमने जो ऑलरेडी हार्डवेयर है थानों में उसमें मुझे सिर्फ एक वेब कैमरा, स्पीकर और माइक ऐड करके एक फ्री सॉफ्टवेयर के जरिए सभी थानों को और डिप्टी एसपी ऑफिसर्स और एसपी ऑफिस प्लस परिवादी भवन जो नया हमने कंस्ट्रक्ट किया है यहाँ पे एसपी ऑफिस में, उन सभी को ऑनलाइन जोड़ा गया है। इससे जब भी परिवादी जो दूर दूर क्षेत्रों से आते हैं, अगर वो अधिकारी वहाँ पे मान लीजिए हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं, वो कोई क्राइम घटित हो गया है, कोई लॉ एंड ऑर्डर इश्यू है, तो अधिकारी तुरंत फील्ड में चले जाते हैं और परिवादी को सुबह से शाम तक वेट करना पड़ता है, या उस दिन अगर नहीं आ पाए तो अगले दिन के लिए भी वेट करके सुनवाई करवा कर जाना जरूरी होता है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पे एक दिन दूर क्षेत्र में यहाँ पर आने के लिए उनका एक दिन की मजदूरी वेस्ट करके वो इधर आते हैं, और ऐसी स्थिति में अगर उनकी सुनवाई भी नहीं होती तो फिर राइट टू हियरिंग जो अधिनियम सरकार द्वारा लागू किया है उसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि पुलिस का दूसरा रूप सुनवाई का अधिकार, आमतौर पे पुलिस के पास फरियादी जाने से कतराता है, मगर अब तो सीधी बात कर सकते हैं वो भी अपना समय गवाए बगैर सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कैमरामैन शिव सिंह के साथ राजीव गौड़, ईटीवी न्यूज़, पाली।